तो दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि हाथी और जेसीबी को बीच में कब लाया जाता है। अब होता क्या है दोस्तों, कभी कभी जंगलों से खाने की तलाश में हाथियां किसानों के खेत तक पहुंचते हैं और उनकी फसल को करने लग जाते हैं बर्बाद। फिर होता क्या है कि किसान लोग वन अधिकारियों की सहायता से जेसीबी मशीन बुलवाते हैं हाथी को भगाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या कर, बहुत कुछ कर लेंगे, नहीं तो मैदान में दोनों को भेज देंगे कुश्ती लड़ लेना वहां पे जाके। तो भाइयों इस वीडियो में जैसा देख सकते हैं कि जेसीबी से हाथी को भगाने का प्रयास किया जा रहा है और हाथी उल्टा जेसीबी के ऊपर गुस्सा करके दोबारा जेसीबी के ऊपर प्रहार करता है और लास्ट में हार मानकर वापिस चला जाता है। तो भाइयों जैसा आप देख सकते हैं कि जेसीबी के सामने हाथी की एक भी नहीं चलती और हाथी हार मानकर वापिस चला जाता है। वैसे दोस्तों जेसीबी का यूज हाथी को भगाने के लिए और कभी कभार हाथी को बचाने के लिए भी किया जाता है। अब होता क्या है दोस्तों, कभी कभार हाथी गड्ढे में या फिर कहीं पे गिर जाते हैं तो जेसीबी की सहायता से उनको उठा के और बचाया जाता है। आखिरकार में जेसीबी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सहायता से हाथियों को गांव से बाहर भगा दिया जाता है। तो भाइयों इसके पहले क्या है कि जेसीबी के अलावा हेलीकॉप्टर से भी हाथियों को भगाने का प्रयास किया करते थे। तो ये हेलीकॉप्टर वाली वीडियो आप देख सकते हैं इस वीडियो की सहायता से। क्या कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, करके दिखाइए, मैदान में आइए, यही बताइए। वैसे भाइयों हेलीकॉप्टर से भगाने का प्रयास अमूमन नहीं किया जाता है क्योंकि ये प्रयास रिस्की कहला जाता थोड़ी सी। क्या इसमें कहीं मान लीजिए हाथी का सूंड हेलीकॉप्टर टच हो गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। भाई अगर इस वीडियो में देखें तो जेसीबी का यूज हाथी को भगाने के साथ साथ हाथी को बचाने के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं हाथी को कैसे जेसीबी से बाहर निकाल के हाथी को बचा लिया जाता है। भाइयों यह प्रयास सफल हो जाता है और हाथी को बचा लिया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल करिएगा सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं किसी दूसरी अच्छी वीडियो पे।